हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम क्या सीख रहे हैं? आजकल हम सीख रहे हैं मात्राओं का, नई नई मात्राओं का ज्ञान कर रहे हैं। और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से एक नई मात्रा रेफ। जी हाँ, र रेफ का ज्ञान करेंगे, र रेफ सीखेंगे बच्चों। और ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ये देखिए जो लाल रंग से ऐसे लिखा है, तो ये र र का इसमें आता है, प्रयोग होता है। और र का प्रयोग कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे क है, क के ऊपर हमने ऐसे देखो लाल रंग का निशान है, तो इसको कैसे बोलेंगे, क्र क्र। च है, च के ऊपर हमने र बना दिया ये ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं च। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, च्र च्र। फिर श, श के ऊपर फिर हमने र का लगा दिया तो क्या बन गया, श्र श्र। और ये व, व के ऊपर फिर ये रेफ का निशान हो गया तो क्या बन जाएगा, व्र। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं, स उ सु, और सु के य सु, और उस पर अगर हमने य के र का ऐसे लगा दिया र रेफ का तो क्या बन जाएगा, सूर्य सूर्य र में। तब ध्यान दीजिएगा, प फिर प व, व के ऊपर फिर ये देखिए र का निशान बन गया और ये त क्या बन गया, पर्वत पर्वत। ब फ और फ पे फिर ये र का र रेफ का निशान हो गया तो क्या बन गया, बर्फ बर्फ पर्वत सूर्य। पा का और का के ऊपर र का निशान बना दिया र रेफ का तो क्या बन गया, पार्क। बेटे रा जो होता है बच्चों ये बहुत जल्दी निकलता है, पार्क सूर्य बर्फ, र बहुत जल्दी आता है तो इसको क्या बोल देंगे, र रेफ का निशान। आज हम र रेफ का अभ्यास कर रहे हैं। द प प पे फिर र और ड, दर्पण। आपने देखा मैंने कितनी जल्दी र बोला, दर्पण सूर्य पार्क पर्वत। फिर से स द ई सदी और फिर र का निशान तो क्या बन जाएगा, सर्दी सर्दी। इसमें जो र होता है र रेफ में ये बहुत जल्दी बोला जाता है। जैसे कि ह श श पे र हर्ष, व श श पे र वर्ष, फ श श पे र फर्श, ध म मा पे र धर्म, ग मा और मा पे फिर र गर्व। ये जो लाल रंग के आप निशान देख रहे हैं ये र रेफ के निशान है, इसमें र बोला जाएगा लेकिन बहुत जल्दी बोला जाएगा। न मा, मा के ऊपर र का निशान नर्म। द द र के ऊपर द पे र का निशान दर्द। ब फ, फ पे र का निशान बर्फ। फ क, क पे र का निशान फर्क। अथ रप अर्थ पूर्ण, र के ऊपर र का निशान पूर्ण। सूय ऊपर र का निशान सूर्य, र का र बोल रही ना सूर्य। फर्क पूर्ण बर्फ, र बहुत जल्दी से बोला जाता है र रेफ में। और ये जो है ये किसका निशान है, र का। आर्य कार्य पार्थ, दर्जन गर्जन अर्पण। ठीक, तो इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है बच्चों। और अब हम पढ़ते हैं र के, ये देखिए र के निशानों को, इसमें लाल रंग है ध्यान दीजिएगा, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, गर्मी सर्दी वर्षा तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है। कुछ लोग सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं, वे धर्म कर्म को मानते हैं, दशहरे के पर्व पर कुछ कुछ सर्दी पड़ने लगती है, दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय को दर्शाता है, इस अवसर पर माँ दुर्गा की पूजा भी बड़े हर्ष के साथ की जाती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा र का निशान र रेफ का, और इसको बोला कैसे जाता है, धर्म कर्म दुर्गा सूर्य, इसमें मैंने र को
बहुत जल्दी बोला। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कुछ करेंगे, र रेफ के शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे, जैसे कि द ज न, और मैंने इसमें लगा दिया र रेफ, क्या बन गया दर्जन। पूर्ण, पूर्ण को मैंने ठीक करके यहां लगा दिया, क्या बन गया पूर्ण। गायशाला लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ठीक करेंगे, क्या बन जाएगा या पे र रेफ कार्यशाला। ये गलत लिखा है तो हमने इसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया, और हमने लग दिया वर्गाकार, वर्गाकार। ऐसे ही दर्शन को भी हमने ठीक कर दिया और क्या बन गया दर्शन। ऐसे ही वर्षा लिखा है, वर्षा, वर्षा। अब हमें क्या करना है, सही शब्द से रिक्त स्थान बना, सदैव पूर्व दिशा से उगता है सूर्य या चांद, सूर्य, तो हमने सूर्य को यहाँ लिख दिया, कैसे लिखेंगे सूर्य, सूर में या में मैंने र रेफ लगा दिया, सूर्य, सूर्य। पार्क में कबूतर या मुर्गा कुकड़ू कू कर रहा है, पार्क में कौन कर रहा है, फिर गांव में मैंने र रेफ लगा दिया तो क्या बन गया पार्क में मुर्गा कुकड़ों को कर रहा है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने सही शब्द से रिक्त स्थान पूरे किए और ऊपर हमने र रेफ लगाकर हमने शब्दों को सही किया। तो बच्चों इसके साथ मैं आशा करती हूँ आपको र रेफ के शब्दों का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपको इसके साथ साथ इसका अभ्यास अवश्य करना है। ये अति आवश्यक है कि आप इनके मात्राओं का अभ्यास करें, लिखित में भी और मौखिक में भी। तो चलिए कुछ नया लेकर फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।